मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। देश को आज इसी धर्म की आवश्यकता है। कोरोना काल में भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और सांसों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको जैसी जरूरत हो उसे पहुंचाने का काम करने वाले सुनील पुरोहित ने कोरोना काल में लगातार एक माह से अधिक समय से मानवता का धर्म निभाकर लोगों की मदद करने में जुटे हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, सेवा का जुनून ऐसा पाला कि पता चलते ही अपने कार्य में अपने साथियों के साथ जुड़ जाते हैं। एक माह तक ऑक्सीजन की कमी के चलते सिलेंडर के लिए रात 2-2 बजे तक सिलेंडर की व्यवस्था में लगे रहे, तो लोगों ने उन्हें ऑक्सीजन मैन का नाम भी दे दिया। सुनील पुरोहित ने अपने स्तर पर एक ग्रुप तैयार किया और उसमें ऐसे 180 लोगों को जोड़ा जिनका मानवता धर्म से नाता हो और लोगों की सेवा करने की भावना हो। और 180 सदस्यों का ग्रुप कोविड-19 आज गांव और शहर में लोगों की मदद कर रहा है। सतवास से जीतू सिंगी की रिपोर्ट। अच्छा जी, जब से कोविड-19 की महामारी जब से आई है, जब से हम सेवा कार्य में लगे हुए हैं, हमने एक ग्रुप बनाया था 19 व्हाट्सएप ग्रुप कोविड-19 के नाम से, जिसमें इंदौर महानगर के सभी लोगों को उसमें जोड़ा था। मदद करने वाले बहुत थे। हमने इसमें निखिल बंसाली जी, जूही सिंह जी और रोहित, अपने सुनील रोहित जी, इनको जोड़ा था। इनके माध्यम से हम लोग पूरे इंदौर की मदद कर रहे थे। जो भी मरीज आ रहा था तो हम उसको जोड़ते थे और ऑक्सीजन और प्लाज्मा की मदद कर रहे थे। और जहाँ पर जो मरीजों के जो अटेंडर रहते थे जो हॉस्पिटलों में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी हमारी ओर से की जा रही थी। हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी की इस पहल पर उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हर चीज़ में उन्होंने आगे से आगे होकर हमारा साथ दिया है। हमारे कई कार्यकर्ता भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। इस कोरोना महामारी से अपने को अपनों से जोड़ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे मशीन हो, ऑक्सीजन मशीन हो, वो भी निःशुल्क माननीय विधायक जी की ओर से दी जा रही है, जिससे मरीजों को मदद मिल रही है। करीब लगभग 2 माह होने को आए हैं और लगातार हमारी सेवाएं जो है विभिन्न प्रकार की दे रहे हैं। हमारे कोविड ग्रुप द्वारा हमारे ललित जी यादव है, जिन्होंने पूरा जिम्मा भोजन और सैनिटाइज का जो संभाल रखा है ऑक्सीजन के साथ साथ। हमारी टीम में जूही सिंह है, वो रक्त प्लाजा का काम करती है, और निखिल भंसाली जी है, वो भी रक्त प्लाजा का काम करते हैं। अस्पताल हमारी एक टीम है, 180 लोग हमारे ग्रुप के मेंबर है। जगह जगह स्थानीय स्तर पर ये काम करते हैं। इंदौर, देवास, सतवास, कन्नौज, खातेगांव, जो जहाँ से आता है उसकी मदद करते हैं। वर्तमान में हमारी जो हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उनके परिवार वाले जो लोग बाहर बैठे हैं परिजन, उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था करना दोनों टाइम, ये सब हमारे योगेश परदेसी जी, हमें तुलसीराम जी सैनी जी, हमारे केशव भाई, इस प्रकार से सारे लोग जो है मिलकर हमारी टीम एक दिन रात लगातार 24 घंटे हमारी टीम हमारे मोबाइल चालू रहते हैं। रात को 2-2 बजे तक भी लोगों के फ़ोन ऑक्सीजन के लिए आए हैं। निरंतर हमारा काम जो है सैनिटाइज, ऑक्सीजन, भोजन, जो कि कोरोना काल में हो सकता है, ब्लड प्लाज्मा, ये सब हम लोगों को मुहैया कराते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, जिनके माध्यम से हमें निःशुल्क ऑक्सीजन इंदौर में मिल रहा है, तो हम भी लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आकाश विजयवर्गीय जी का और ललित जी का और जूही सिंह का। इन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारा काम का सहयोग दिया। धन्यवाद जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।